ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अभी बताएं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तो रहते नहीं हो, पढ़ लिख रहे नहीं हो। अरे पढ़ाई करो, तभी तो बढ़िया रहोगे। पढ़ते रहो भैया, जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं आपके, जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, सबको रिवाइज करते रहो। रिवाइज करना जरूरी है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जाम को बिगाड़ना मत। अभी मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, मैंने बीएमसी पढ़ लिया, मैंने सॉइल पढ़ लिया, ये होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन कि मैंने पढ़ रखा है बट मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, समझ रहे हो मेरी बात? आप अपने दिल को झूठा दिलासा देते हो ये बोल के कि यार मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, अब देखो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप एक ऑब्जेक्टिव बैंक उठा लो, जो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बैंक उठा लो, क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक उठा लो और अपने ट्राई करो, सारे सब्जेक्ट उठाने स्टार्ट करो, तब जाके पता लगेगा कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो रही है, समझे हो? देखो मैं भी एक टाइम पर प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत जमाने की बात है, ठीक है। तब क्या होता था कि कुछ टाइम मेरा भी ऐसा निकला था कि मैं अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करता था कि मैंने वो टॉपिक, मतलब एक बार सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, कि आपने एक बार सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया और फिर उसको मैं उठाता नहीं था, तो मैं सोचता था कि यार मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, बट वो मेरा झूठा दिलासा देना होता है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप टाइम टू टाइम उसके अपने क्वेश्चंस क्रॉस चेक करते रहो, डिफरेंट क्वेश्चंस बैंक उठाओ। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, प्रिपरेशन के टाइम यार थोड़ा बहुत आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी। होता है कि ऐसा कि हम बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, तो अपने फ्रेंड्स से बुक लो, बट बुक्स की जरूरत तो आपको पढ़ने वाली है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप जो पढ़ते हो और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो मतलब अगर आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अपने दोस्त बनाओ जिनसे आप बुक ले सको। और मैं आपको एक बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ, बहुत ही अच्छा सजेशन देता हूँ, बुक हमेशा है ना पेपर वाली होनी चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं ना, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। पीडीएफ पीडीएफ पढ़ने के चक्कर में मत देखो, क्योंकि होता क्या, अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो पीडीएफ मोबाइल में खोलते हो, मोबाइल में 100 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको डाइवर्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब आप अपनी पढ़ाई से अलग हो सकता है कि आपने पीडीएफ पढ़ ली। मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अगर आप अपनी पढ़ाई करो तो उसको पेपर से करना, और पेपर के टाइम जब आप पेपर, दैट मीन्स बुक जो होती है, हार्ड कॉपी जो होती है, अब सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हो तो आपके पास 10 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, अपने डाइवर्ट हो सकते हो, डेविएट हो सकते हो अपने पाथ से। मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको ध्यान आए कि चलो यार देख लेता हूँ, यार ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ, या फिर चलो देखते हैं यार यूट्यूब पे क्या नया वीडियो है, तो ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इन चीजों आपको दूर रहना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ, लिटरली मैं आपको अच्छा सजेशन देता हूँ कि जब आप लोग पढ़ने बैठो, जब आप लोग पढ़ने बैठो मोबाइल को अपने से 15 मीटर दूर रख दिया करो, मोबाइल अपने पास रखोगे। यार देखो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ग्रस्त मैं रहा हूं एक टाइम पर। हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि मोबाइल को देखेंगे नहीं। आप लिटरली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम बताता हूं, आप लोग सोचते हो कि मैं मोबाइल पास रख देता हूं, मैं मोबाइल को देखूंगा नहीं। आप सोचते हो कि चलो कुछ मेरे को पढ़ने में नहीं आया, आप लिटरली सोचते हो कि यार अगर पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं गूगल सर्च करके पढ़ लूंगा। आप लिटरली सोचते हो ना कि जब मैं पढ़ूंगा और इन केस मुझे कुछ समझ भी नहीं आई तो मैं गूगल सर्च करके पढ़ लूंगा, इस कारण मैंने मोबाइल अपने पास रखा हुआ है, इस कारण मैंने मोबाइल अपने पास रखा हुआ है। तो आप इस कंडीशन से मोबाइल को अपने पास रख लेते हो कि अगर मुझे पढ़ाई में दिक्कत आएगी तो मैं गूगल सर्च करके उसको सर्च कर लूंगा, मतलब सर्च कर लूंगा। बट आप गूगल सर्च तो करते ही नहीं हो। अब आप समझो मोबाइल क्या होता है, अब आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, आप 15 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट पढ़ते हो, फिर मोबाइल देखते हो, फिर आपको ध्यान रहता है नहीं, मुझे मोबाइल नहीं छूना। अब ध्यान से देखना, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना, आप 30 मिनट पढ़ते हो, मोबाइल को उठाते हो, नहीं यार मुझे पढ़ना है, फिर मोबाइल आप वापस साइड में रख देते हो, फिर आप वापस पढ़ने बैठते हो, फिर अब जब सेकंड टाइम आप मोबाइल उठाते हो ना, तब आप उस मोबाइल को वापस नहीं रखते हो। मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, पढ़ो तो मोबाइल को हमेशा दूर रखना चाहिए। अगर मोबाइल को अपने पास रखा ना, चाहे आप ये सोच रहे हो कि मैं गूगल सर्च करूंगा, तो भी मोबाइल को अपने पास मत रखो, आप कोई दूसरा ऑप्शन देखो, आप कोर्स बुक रखो उसके अपने पास में, या अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टॉपिक्स गूगल सर्च करने तो बुक अलग रूम में होना चाहिए, मोबाइल अलग रूम में होना चाहिए, आप बुक जो लेके पढ़ रहे हो वो अलग रूम में पढ़ो और मोबाइल जो है अपना लेके अलग रूम में पढ़ो, मतलब समझ रहे हो आप? आपको लगता है कि यार मुझे इस टॉपिक को तो गूगल सर्च करना ही पड़ेगा, आप अपनी बुक्स वाले जहां पर आप स्टडी रूम जो आपका है उसे स्टडी रूम से उठकर जाओ दूसरे रूम में, गूगल सर्च करो, मोबाइल छोड़ो, वापस अपने बुक से। मतलब पर्सनल एक राय देता हूं कि जब पढ़ाई करो तो मोबाइल अपने पास में मत रखना, मोबाइल पास में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टील स्ट्रक्चर्स की न्यूमेरिकल कर रहे थे, और स्टील स्ट्रक्चर के मैंने आपको बताया कि स्टील स्ट्रक्चर्स एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, जब तक आप उसके न्यूमेरिकल नहीं देखोगे तब तक आपको उसे क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता लगेगा। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए हैं, उन फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड
हमने कुछ फॉर्मूलास पढ़े हैं, लाइक शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, लाइक बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, है ना, हमने फॉर्मूलास पढ़े हैं। सारे क्वेश्चंस आपके इन फॉर्मूलास से ही बनेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला निकल जाएगा, बट ये फॉर्मूले भी थोड़े से घूम जाते हैं, ये फॉर्मूले बहुत तरीके से घूम जाते हैं। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, तो लिटरली आपके स्टील स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्वेश्चंस को वो बहुत तरीके से घुमा देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको सारे डिफरेंसेस पता लग जाए। मैं आपको लिटरली बोलता हूं, अगर आप ओनली दो तीन न्यूमेरिकल करोगे और सोचोगे कि दो तीन न्यूमेरिकल मेरे को फॉर्मूला याद है, मैंने फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लिया और मैंने फॉर्मूला को समझ लिया, तो आप एक चीज बताओ, क्या गेट के आप सारे क्वेश्चन कर पाते हो? क्या गेट एग्जाम के आप सारे क्वेश्चन कर पाते हो? नहीं कर पाते ना, लगते तो वही फॉर्मूलाज है। गेट क्वेश्चन जो गेट का एग्जाम आता है उसमें क्या डिफरेंस है? गेट में भी तो उन्हीं फॉर्मूलाज से लगते हैं। क्या गेट के आप 100% क्वेश्चन कर लेते हो? नहीं ना। अब आपको नहीं लगता कि गेट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे टेढ़े होते हैं कि फॉर्मूला तो वही लगने वाला है बट फिर भी हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता? सेम गोज विद स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूले याद करने से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। जब तक आप अपने फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर पकड़ नहीं आएगी। आपको पता है मैंने आपसे शायद आपसे किसी भी सब्जेक्ट में इतना नहीं बोला जितना मैं स्टील स्ट्रक्चर्स में बोल रहा हूँ कि बहुत तरीके के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ना अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जब तक आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं देखोगे तो क्वेश्चन इसके नहीं होंगे। अब बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे चालू करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6। इस क्वेश्चन में इसने कहीं पर भी नहीं लिखा, मैंने आपसे क्या बताया, जो HSFG बोल्ट होता है और जो ऑर्डिनरी बोल्ट होता है, दो टाइप के बोल्ट होते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट या ब्लैक बोल्ट एंड सेकंड वन इज HSFG बोल्ट। ऐसा नहीं है कि बोल्ट क्या ये दो टाइप के होते हैं, बोल्ट बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, बट स्टील स्ट्रक्चर्स में पहली बात तो मैंने आपसे क्या बोला, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रिवेट्स जो होते हैं, रिवेट्स हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में आजकल यूज नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि रिवेट्स कहीं पर भी यूज नहीं होते, रिवेट्स आज भी यूज होते हैं बट हम अपने स्टील स्ट्रक्चर्स में नहीं करते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट में रिवेट्स आज भी यूज होते हैं, जो आपके बॉयलर्स होते हैं जिसमें स्टीम जनरेट होती है उसमें भी रिवेट्स का यूज होता है, तो हम रिवेट्स को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स में रिवेट्स ऑब्सोलीट हो चुका है, मतलब अब इसका यूज बंद हो चुका है, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से जो बोल्ट्स होते हैं, बोल्ट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, सात आठ टाइप के होते हैं, उसमें से हम ओनली दो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स का जो कनेक्शन होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स को जो हम जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं, है ना, वो इन दो बोल्ट की हेल्प से हम कर देते हैं। छोटे मोटे और कनेक्शन होते हैं, जैसे पिन कनेक्शन होता है, वो मैं एंड में लेके चलूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो मैंने आपको एक बात बताया था, ऑर्डिनरी बोल्ट की जो स्ट्रेंथ होती है और जो HSFG बोल्ट की स्ट्रेंथ होती है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये मैं सोचना कि ऑर्डिनरी बोल्ट के फॉर्मूले या इस जिस तरीके से हम इसमें यूज करते हैं, सेम आप HSFG बोल्ट में भी यूज कर लोगे, ठीक है। अब तो इसलिए हमें क्वेश्चन में ये पहचानना पड़ता है कि जो टॉपिक आपको मिला है, जो क्वेश्चन आपको मिला है, उसमें समझ रहे हो मेरी बात? मेरा आपसे बोला इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन अलग तरीके से होती है, इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन अलग तरीके से होती है, इसके फॉर्मूला से थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप इसके फॉर्मूले इसमें यूज नहीं कर सकते। और क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है ऑर्डिनरी बोल्ट में, वो फ्रिक्शन की जो होल्स होता है, होल्स में शीयर एंड बियरिंग की हेल्प से लोड ट्रांसफर होता है, वहीं पर HSFG बोल्ट में फ्रिक्शन की वजह से लोड ट्रांसफर होता है। तो दोनों की कहानी अलग है, दोनों की कहानियां अलग है। अगर दोनों की कहानियां अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, तो आप सेम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। दैट मींस आपको क्वेश्चन में ये पहचानना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट को यूज करा है या HSFG बोल्ट को यूज करा है, ये आपको क्वेश्चन से पहचानना पड़ेगा। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बार बताई थी कि जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपको लिख के दे। आपको एक चीज पता लग चुकी है कि ऑर्डिनरी बोल्ट की स्ट्रेंथ अलग टाइप से फाइंड होती है, HSFG बोल्ट की स्ट्रेंथ अलग टाइप से फाइंड होती है। अभी हम ऑर्डिनरी बोल्ट कर रहे हैं, है ना, और आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या देख रखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में इसने कहीं पर भी ऑर्डिनरी बोल्ट या HSFG बोल्ट लिखा है? देख के बताओ, इसने क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑर्डिनरी बोल्ट नहीं लिखा। फिर आप कैसे पहचानोगे? आप पहचानोगे इस ग्रेड से, क्योंकि ग्रेड 4.6 ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट की ही होती है। ग्रेड 4.6 ऑर्डिनरी बोल्ट या ब्लैक बोल्ट की ही होती है, समझ के मेरी बात। तो आपने ग्रेड से पहचाना कि भैया HSFG नहीं, क्योंकि HSFG की तो 8.8S होती है, जहां पर 8.8
एस लिखा हुआ आ गया, आप समझ जाओगे एच एस एफ जी बोर्ड की बात हो रही है भैया, अब इसके फॉर्मूला नहीं लगेंगे, अब इसके फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोर्ड। पहले आपको इस कचरा पट्टी को मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ यूनिट, ये जो यूनिट चल रही है इसकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, कन्वेंशनल भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकता आप लोगों पे कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। और अगर मान लो आप सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर पढ़ाने का मतलब नहीं निकलता है, फिर तो इसको घास काटना बोलते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अगर न्यूमेरिकल लिटरली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको फिर वो मुझे घास नहीं काटनी, ठीक है। तो हमें एक चीज पता लग चुकी है कि भैया ग्रेड 4.6 देके रखी है। अब अगर ग्रेड 4.6 का मैं इसको डिफाइन करूं तो ग्रेड 4.6 इसने जस्टिफाई कर दिया कि भैया ग्रेड 4.6 का मतलब है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ग्रेड 4.6 जो ग्रेड होती है वो ब्लैक बोर्ड की होती है ना कि एचएसएफजी बोर्ड की। इसका मतलब क्या होता है, अगर इस 4.6 में अगर इस 4 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बन जाती है। दैट मींस मेरे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना बन गया, 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसी 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का जब मैं 0.6 करूंगा, अब सर जो पहला वाला नंबर होता है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बन जाती है ऑफ बोल्ट, क्योंकि ये ग्रेड 4.6 किसकी ग्रेड है, बोल्ट की ग्रेड है। देखो लिखा है ना स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, ये बोल्ट आपकी किसकी गिवन है, बोल्ट की। अब देखो एक चीज होती है, आपको ये पहचानना पड़ता है कि जो ग्रेड देके रखी है वो किसकी ग्रेड है, प्लेट की है या बोल्ट की है। ये साफ साफ बोल्ट की ग्रेड है, अगर ये बोल्ट की ग्रेड है तो जो स्ट्रेंथ आएगी पहले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो ऑब्वियसली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और ऑब्वियसली वो किसकी आएगी, बोल्ट की ही आएगी, ना कि प्लेट्स की, ना कि उन प्लेट्स की जिन प्लेट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, या कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से मतलब क्या होता है कि पहला नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, और अब ये भी जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके पास आई है इसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। क्या आती है, यील्ड स्ट्रेंथ, दैट मींस 624 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, इजी सा है। और इसमें क्या क्या दिख रहा था हमें, स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, 20 mm डायमीटर बोल्ट, इसने नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट देकर रखी है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब नॉमिनल डायमीटर बोल्ट का मतलब क्या है कि जो भी बोल्ट का शैंक है, देखो बोल्ट इस तरीके से होता है, ये मैं आपको 150 बार बता चुका हूं, एक इसका थ्रेड्स वाला पोर्शन होता है, इस वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, शैंक, जहां पर थ्रेड्स नहीं होते हैं, ये डायमीटर वो देखो एक होता है थ्रेड्स, एक होता है शैंक, ठीक है, जहां पर थ्रेड्स नहीं होते हैं। तो ये जब भी आपको डायमीटर लिखी हुई है तो आप समझ जाना कि इसने आपको शैंक की डायमीटर दी है, उस एरिया की डायमीटर नहीं दी जहां पर चूड़ियां या थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो नॉमिनल डायमीटर बोल्ट का मतलब होता है डायमीटर ऑफ शैंक, ठीक है। तो जो भी कितनी देख रखी है इसने आपको 20 mm, ठीक है। अब इसने बोला द मेन प्लेट्स, इसने आप लिख दिया The main plates to be joined are, इसने बोल दिया कि भैया दो main plates हैं आपके पास, और जो main plates है उसकी thickness क्या है, देखो ना भाई हमको दो प्लेट ज्वाइन करनी है, आप इमेजिन करो हमको दो प्लेट ज्वाइन करनी है और दोनों प्लेट की थिकनेस 12-12 mm है, दोनों प्लेट की थिकनेस है आपके 12-12 mm। इसने बोला आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, आपको इस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, आपको इस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है जी, स्ट्रेंथ, क्या फाइंड करना है जी, स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। आपको ये क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है या स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड करनी है। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि मुझे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है या स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड करनी है, जॉइंट मतलब कनेक्शन, जहां पर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब अगर आपने दो मेंबर को जॉइन कराया बाय यूजिंग बोल्ट तो उसमें होल करे होंगे, होल में नट बोल्ट लगाया होगा, नट बोल्ट को टाइट कर दिया होगा तो वो जॉइन होंगे, एक स्ट्रेंथ तो उसकी होती है। इसने आपसे जॉइंट की स्ट्रेंथ पूछी ही नहीं है, कहीं पर भी लिखा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है, और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करने का तरीका और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड करने का तरीका अलग अलग होता है। तो दैट मींस सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये पहचानोगे कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड करना है। आप समझ रहे मेरी बात, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोल्ट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भैया मुझको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि
अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में डिफरेंस क्या है, साफ साफ सी बात मैं बोल देता हूं, जब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात आती है या स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात आती है, पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिस्कस करते हैं, जब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात आती है तो मैं प्लेट की, आप किसको कनेक्ट कर रहे हो, आप 12 mm थिक प्लेट को कनेक्ट कर रहे हो, आप 12 mm थिक प्लेट है, 12 mm की थिकनेस की एक प्लेट है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट चाहिए होगी तो इस प्लेट की भी थिकनेस टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंसीडर करूंगा। अगर मुझे जॉइंट की स्ट्रेंथ चाहिए होगी, अगर मुझको जॉइंट की स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो जो मेन प्लेट में कनेक्ट कर रहा हूं, अभी यहां पर मेन प्लेट क्या है, द मेन प्लेट टू बी जॉइंट आर 12 mm थिक, तो इस प्लेट की भी स्ट्रेंथ मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। बट अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बात कर रहा हूं तो मुझे थिकनेस, जो प्लेट की स्ट्रेंथ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई बेसिक सा डिफरेंस आपसे पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में डिफरेंस क्या है, तो साफ साफ बोल दो कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में हमें ओनली स्ट्रेंथ बोल्ट से मतलब होता है, और अगर मैं जॉइंट की बात करूं, क्योंकि जॉइंट में तो बोल्ट भी होता है और प्लेट भी होती है, कनेक्ट किसको कर रहे हो, प्लेट को तो कनेक्ट कर रहे हो आप, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में बोल्ट की भी स्ट्रेंथ कंसिडर होती है एंड प्लेट की भी कंसिडर होती है। तो इसलिए आपसे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट नहीं पूछा, तो मेरा फोकस क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मैंने आपसे एक चीज बताई थी, तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती है बोल्ट की, कौन सी, शियरिंग स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज बियरिंग स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। फिर मैंने आपको एक चीज कल के लेक्चर में भी बताई थी और बहुत बार पहले बता चुका हूं कि जो ब्लैक बोल्ट होता है, पहली बात तो आपने डिसाइड कर लिया कि ग्रेड 4.6 किसकी होती है, ब्लैक बोल्ट की। ब्लैक बोल्ट में लोड किस किस के थ्रू ट्रांसफर होता है, ब्लैक बोल्ट में जो लोड ट्रांसफर होता है वो मेन, दैट मींस, अब लोड ट्रांसफर का मतलब क्या है भैया, लोड लगाओगे तो बोल्ट पर भी तो लोड आएगा, बोल्ट पर भी तो लोड आएगा, फिर बोल्ट वापस से लोड ट्रांसफर भी तो करेगा, थोड़ी कि अपने पास रखता रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ब्लैक बोल्ट में मेनली जो लोड लगा हुआ है, ब्लैक बोल्ट में मेनली जो लोड लगा हुआ है वो किससे ट्रांसफर होता है, शियरिंग एंड बेयरिंग से, ये हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखना, आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट चाहिए, दैट मींस मेनली, और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किसकी चाहिए, ब्लैक बोल्ट की। तो ब्लैक बोल्ट का जो लोड ट्रांसफर होता है या स्ट्रेंथ की बात आती है वो मेनली किस पर डिपेंड होती है, शियरिंग स्ट्रेंथ और आपकी बेयरिंग स्ट्रेंथ पे। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, तो मुझे मकसद क्या है, जॉइंट की स्ट्रेंथ तो मुझे फाइंड करनी नहीं है कि भैया जॉइंट की स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी और मेन प्लेट को भी मुझे कंसीडर करना था, मुझे ओनली किसको कंसीडर करना है, बोल्ट को, इन बोल्ट। अब देखना, आपसे जी उसने स्ट्रेंथ पूछी है और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट चाहिए होती है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, और मैंने आपको बता दिया मिनिमम क्यों लेते हैं, ये 150 बार मैं आपको बता चुका हूं कि इन दोनों की मिनिमम वैल्यू ही क्यों लेते हैं, मैक्सिमम क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी बनेगी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। जॉइंट से तो मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि जॉइंट की स्ट्रेंथ इसका आपने पूछी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके कन्वेंशनल में आ सकता है, ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में तीन पार्ट उसमें देखे रहते हैं, क्या क्या, ध्यान से देखो, इसने बोला था कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जब कनेक्शन क्या है, लैप जॉइंट, दूसरा क्या है, सिंगल कवर बट जॉइंट, एंड थर्ड क्या है, डबल कवर बट जॉइंट। दैट मींस इसने आपको तीन केस दिए, एक कनेक्शन में क्या है, लैप जॉइंट है, एक कनेक्शन में क्या है, लैप जॉइंट है, सेकंड कनेक्शन में क्या है, बट जॉइंट है जिसमें सिंगल कवर है, और थर्ड में क्या है आपका, डबल कवर बट जॉइंट। इसने तीन केस आपको दिए, दैट मींस तीन केस में आपसे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिफाइन करवा रहा है, तीन केस में ये आपसे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट भूल जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इसने इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं पूछा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ही पूछा इसने आपसे। मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो भाई साहब ये स्टील स्ट्रक्चर्स है, ये मान के चलो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे मान लो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, अब फ्लूइड मैकेनिक्स दो एग्जाम में आता है, एक SSC JEE में भी आता है और गेट में भी आता है। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब SSC JEE का जो पैटर्न होता है वो इजी होता है और गेट का पैटर्न टफ होता है, तो आप ये समझ के रखना कि इसका हर एक क्वेश्चन गेट के पैटर्न जैसा ही होता है। दैट मींस आप समझ रहे हो ना कि जिस तरीके से गेट के क्वेश्चन थोड़े घुमावदार होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में चेंज हो जाता है, मतलब उसके फॉर्मूलाज में भी थोड़ा बहुत
चेंज आ जाता है, उसी तरीके से स्टील स्ट्रक्चर्स की भी कहानी है। तो उसका हर एक क्वेश्चन गेटेड क्वेश्चन के बराबर ही समझ के चलना, तभी आपको स्टील स्ट्रक्चर समझ में आएगी। ऐसा नहीं है फॉर्मूला पुट करा और क्वेश्चन निकल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तब इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ में फाइंड करो, दोनों की वैल्यू फाइंड करो, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बन जाएगी। ठीक है, अब हम चालू करते हैं केस नंबर वन। इसने आपको तीन केस दिए हुए हैं, इसने आपको तीन केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस कौन सा है ध्यान से देखना, फर्स्ट केस है आपके पास लैप जॉइंट का। मैं केस नंबर ए उठा रहा हूं लैप जॉइंट का। भैया पहली बात तो लैप जॉइंट क्या होती है, जब दो प्लेट्स को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपने बोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब इसने ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स है, है ना, कहीं बोला इसने आपसे कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स नहीं है, है ना, या कितनी रोज में बोल्ट लगाएगा। तो आप सिंगल बोल्ट को लगा लो, जब आपको कुछ ही मेंशन नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं आपने सिंगल बोल्ट लगा। वैसे मिनिमम एक बोल्ट ही रखते हैं, हम दो से तीन बोल्ट रखते हैं, बट हम एक सिंगल बोल्ट की यूज कंसीडर करते चलते हैं, क्योंकि अगर आप डबल भी लगा दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, उसने बोला था मेन प्लेट्स टू बी जॉइंट आर 12 एमएम थिक। ठीक है, लैप जॉइंट में कवर प्लेट नहीं होती, लैप जॉइंट में कवर प्लेट नहीं होती, लैप जॉइंट में ओनली मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसमें कवर प्लेट का रोल नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इसका फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया, बता एफ यू बी बाय रूट थ्री गामा एम बी नंबर ऑफ शियर प्लेन इंक्लूडिंग थ्रेड्स, नंबर ऑफ शियर प्लेन इंक्लूडिंग थ्रेड्स मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं मिटा दूं, मल्टीप्लाई बाय नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट। अब ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये एन कैसे फाइंड करते हैं, इवन इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये क्या आपका नंबर ऑफ शियर प्लेन्स इंक्लूडिंग थ्रेड्स मल्टीप्लाई नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया प्लस नंबर ऑफ शियर प्लेन एक्सक्लूडिंग थ्रेड्स, इस वाले में थ्रेड्स इंक्लूड होते हैं और इस वाले में थ्रेड्स एक्सक्लूड होते हैं, मल्टीप्लाई बाय शैंक एरिया ऑफ बोल्ट, है ना, शैंक एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, जब आपको रिडक्शन फैक्टर, अब इसके आगे तीन रिडक्शन फैक्टर होते हैं बीटा लॉन्ग जॉइंट, बीटा लॉन्ग ग्रिप एंड बीटा पेगिंग प्लेट ठीक है, ये अगर आपको सॉल्व करवाएगा तो वो स्पेशली इस चीज को मेंशन कर देगा। तो अगर उसने इन टर्म्स को मेंशन नहीं करा हुआ है तो इन टर्म्स को नॉर्मली जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ना उसमें ये टर्म्स इग्नोर होगी, क्योंकि अगर उसने ये टर्म्स दे दी ना तो ये आपका न्यूमेरिकल और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपको क्वेश्चन में ये जबरदस्ती नहीं दे के रखा हुआ कि भैया लॉन्ग जॉइंट है या नहीं है, लॉन्ग ग्रिप लेंथ है या नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया कि इन तीनों के कारण इस पूरी स्ट्रेंथ में रिडक्शन होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। मैंने आपसे बताया था कि इन तीनों रिडक्शन फैक्टर के कारण जो भी स्ट्रेंथ आती है वो थोड़ी घट जाती है। क्यों घटती है, क्योंकि जब लॉन्ग जॉइंट होता है तो मैंने आपको फेलियर बताया था, जब लॉन्ग ग्रिप होता है तो उसमें आपको फेलियर बताया था कि भैया बेंडिंग आ जाती है, पेगिंग प्लेट अगर थिकनेस ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है बोल्ट में बेंडिंग अननेसेसरी बेंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। आप ध्यान रखो मैंने आपको बता दिया है कि ये रिडक्शन फैक्टर स्ट्रेंथ को क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इनमें सारे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था कि जैसे लॉन्ग ग्रिप की बात करूं तो अगर लॉन्ग ग्रिप होगी बोल्ट की, अब ये मत बोलना कि सर हमको तो ग्रिप लेंथ ही नहीं पता, जो ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहा होगा उसको कुछ भी हवा नहीं लगेगी, सीरीज स्ट्रक्चर है डायरेक्ट देखने का तो सोचना भी मत। ठीक है, इससे अच्छा अगर आपको भी डायरेक्ट लेक्चर देखना है तो वो आप बीएमसी का एक बार देख सकते हो, वो ज्यादा टफ नहीं होता है, बट चाहे सोम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, सर्वेइंग हो गया, पहली बार तो डायरेक्ट लेक्चर आप देख नहीं सकते हो कि भैया हम तो डायरेक्ट इसको समझेंगे, मतलब देखो इसको। तो ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब तक स्पेशली क्वेश्चन में इनके बारे में मेंशन ना हो, अगर आपको उसको अफेक्टिव दिखाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये कि आप जबरदस्ती चेक मत करो, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग जॉइंट का भी प्रोसीजर बता रखा है कि किसी भी एक रो में फर्स्ट बोल्ट और लास्ट बोल्ट की डिस्टेंस अगर 15 टाइम्स ऑफ डी है, 15 टाइम्स ऑफ डायमीटर बोल्ट एक्सीड करता है तो आपका लॉन्ग जॉइंट आएगा, तो जबरदस्ती इसको कैलकुलेट हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये तीनों रिडक्शन फैक्टर यूज करने होंगे तो आपको न्यूमेरिकल में स्पेशली मेंशन कर देगा, और मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आप समझ रहे हो, आपको मैं न्यूमेरिकल चेक करवाऊंगा इस चीज में। ठीक है, तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मान लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्या इसने बोल्ट के बारे में इस क्वेश्चन में ये देखे रखा हुआ है, क्या आपके इस क्वेश्चन में इसने ये देखे रखा हुआ है,
कि जो थ्रेड्स वाला एरिया बोल्ट का वो इंटरफेस में या शियर प्लेन में आ रहा है, क्या इसने क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंटेन करा हुआ मेंशन करा हुआ है कि कितना पोर्शन आपका, वो यार पानी कह रहा हूँ,